हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्र हैं तो हमारी वीडियो के साथ बने रहें। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिन पहले यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट निकला है और बहुत से बच्चे अपने रिज़ल्ट को लेकर असंतुष्ट हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में यही बताऊंगा कि असंतुष्ट बच्चे क्या करें और स्कूटनी का फॉर्म कैसे भरें, स्कूटनी का फॉर्म कौन कौन भर सकता है और स्कूटनी के फॉर्म भरने में कितना रुपये लगता है और कैसा भेजा जाता है, इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल टेबल में। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, स्कूटनी का दिया है और यहां पे स्कूटनी का अंतिम तिथि 22/7/2020 है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में मैं और कुछ बताता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे पूरा डिटेल देख सकते हैं, अब मैं इसको अभी पूरा बताऊंगा। और स्कूटनी का फॉर्म भरने में आपको पर सब्जेक्ट 500 रुपये लगेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 रुपये लिखा है। और चलिए और आगे मैं आपको ले चलता हूँ। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, यहां आप देखिए लिखा है यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्कूटनी फॉर्म 2020 को क्षेत्रीय कार्यालय में कराएं जमा। यानी कि आप सिर्फ क्षेत्रीय कार्यालय में, यहां पे फिर से देख सकते हैं, क्षेत्रीय कार्यालय में जमा पंजीकृत डाक में भेजना होगा। नहीं तो छात्रों को, यहां आप देखिए, छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि परिषद में नियमों के अनुसार सामान्य डाक और कुरियर गए यूपी बोर्ड स्कूटनी फॉर्म। यानी कि दोस्तों, आप क्षेत्रीय कार्यालय में डाकघर में भेजते हैं तो आपका फॉर्म जो होगा स्वीकार किया जाएगा, नहीं तो अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसका और आगे बताता हूं कैसे भरा जाता है। तो दोस्तों, स्कूटनी का फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा गूगल क्रोम में और वहाँ पर सर्च करना पड़ेगा UPMST। देखिए कुछ इस तरह से आएगा और यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। UPMST का फुल नेम होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। तो चलिए हम और नीचे चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2020 के उत्तर पुस्तिकाओं की स्कूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण निर्देश लिखा है, तो इसको चलिए हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। तो इसमें आप देखिए, ये लिखा है आवेदन करने के उपरांत भरे हुए आवेदन को डाउनलोड कर मुद्रित कर उसे जमा किए गए ट्रेजनी चालन की मूल प्रति के परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में उनके निर्धारित पते पर रजिस्टर्ड डाक से निर्धारित तिथि से पूर्व औसित प्रेषित कर दें। यानी कि आपको पहले ट्रेजनी चालन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको भर के और उसका मूल प्रति और ये स्कूटनी का फॉर्म भर के आपको डाकघर में जमा करना पड़ेगा। और दूसरा देखिए, आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है निर्धारित तिथि पर उक्त आवेदन के साथ जमा शुल्क के ट्रेजनी चालन की मूल प्रति प्राप्त न होने पर स्कूटनी की कार्यवाही नहीं की जाएगी, इसके लिए संबंधित परीक्षार्थी की उत्तरदायी होंगे। यानी कि ये कह रहा है कि आप अगर स्कूटनी का फॉर्म अगर सही समय पर नहीं भेजते हैं तो उसका उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और इसका पूरा उत्तरदायी परीक्षार्थी होगा। और तो चलिए यहाँ पर हम आपको स्कूटनी ट्रेजनी चालन का फॉर्म डाउनलोड करके दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए इस तरह डाउनलोड भी हो गया और यहाँ पे आपको भर देना है और भरने के बाद इसमें आपको पैसा जमा करना है। तो देखिए यहाँ पे आप भर सकते हैं, आप दिया है IFSC कोड, कुछ तरह से आप इसे पढ़ के भर सकते हैं या अपने स्कूल में भरवा के और पैसा जमा कर सकते हैं। तो जमा करने के बाद आपको कुछ एक ट्रेजनी चालन संख्या मिलेगा, उसको आप ले लीजिएगा और उसको आपकी ज़रूरी पड़ेगी। तो चलिए आगे चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे स्कूटनी फॉर्म कैसे भरा जाता है इसको बताता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाई स्कूल के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु यहाँ पे क्लिक करिए। लिखा है यहाँ पे देखिए परीक्षार्थी का अनुक्रमांक
और उसका डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको खोलना पड़ेगा। तो चलिए और फिर देख लीजिए, मैं यहाँ पे अपना डाटा फिल कर चुका हूँ। और चलिए मैं यहाँ पे गेट डाटा पे क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा आपका डिटेल दिया हुआ है। और डिटेल देने के बाद यहाँ पे दिया है मतलब कितने सब्जेक्ट में आप स्कूटनी भरना चाहते हैं। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूटनी शुल्क 0 रुपया लिखा है। आप यहाँ पे जिस विषय में आप स्कूटनी का फॉर्म भरना चाहते हैं आप उसमें इसमें क्लिक कर दीजिएगा और आपका पैसा बढ़ता जाएगा। एक प्रैक्टिकल पे 500 और यहाँ पे थ्योरी देखिए, थ्योरी यहाँ पे दिया हुआ है और इधर प्रैक्टिकल भी दिया हुआ है। तो आप हर एक सब्जेक्ट पे 500-500 रुपये लगेगा। जैसे जैसे आप ट्रिक करते जाएंगे आपका पैसा यहाँ बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप भर सकते हैं। फिर उसके बाद से देखिए यहाँ पे जमा की गई धनराशि लिखेंगे आप कितने रुपए जमा किए हैं। और उसके बाद से यहाँ पे आप चालान संख्या, जो पैसा जमा किए होंगे वहाँ पे चालान संख्या मिला होगा उसको भर दीजिएगा। और किस डेट में आप जमा किए हैं वो भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और किस बैंक में आपने जमा किया है वो भी यहाँ पे फिल करके, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है चालान का स्कैन कॉपी अपलोड कीजिए, यानी कि स्कैन कॉपी उसको अपलोड कर दीजिएगा। और 100 KB वो जो चालान कॉपी होगा वो 100 KB और 1 MB के बीच में होगा। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा 100 KB और 1 MB के बीच में उसका होना चाहिए। और आपको इस पते में भेजना है, देखिए ये पता जो है आपको ये लिख लीजिएगा। और जो भी स्पीड पोस्ट कीजिएगा तो उसमें आप यही पता डालिएगा। और भेजने के बाद अब ये सब फिलअप करने के बाद आप यहाँ पे से सेव स्कूटनी एप्लीकेशन कर दीजिएगा। सेव स्कूटनी करने के बाद आपको ये सेव हो जाएगा और इसका प्रिंट आउट निकलवा के और स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा ताकि आप समय से पहले आपका फॉर्म चला जाए और आपके फॉर्म को स्वीकार कर दिया जाए और आपके स्कूटनी का फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।